नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे 18 नवंबर 2019 को भारत के 47वें चीफ जस्टिस पद की शपथ लेने वाले जज। 63 साल के जस्टिस बोबडे ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की जगह ली है और वो 17 महीने तक इस पद पर रहेंगे। इनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 को खत्म होगा। कई ऐतिहासिक फैसले लेने वाले जस्टिस बोबडे अयोध्या की विवादित भूमि पर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच का हिस्सा थे। वहां उन्होंने जस्टिस गोगोई के साथ फैसला सुनाया था। आइए जानते हैं भारत के नए चीफ जस्टिस के बारे में। वकालत वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस बोबडे का जन्म 24 अप्रैल 1956 को नागपुर में हुआ था। इनके पिता अरविंद बोबडे भी मशहूर वकील थे, जो महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। इनके दिवंगत भाई विनोद अरविंद बोबडे सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। इनकी बेटी रुक्मणी दिल्ली में वकालत करती हैं और बेटा श्रीनिवास मुंबई में वकील है। SFS कॉलेज से BA करने के बाद जस्टिस बोबडे ने साल 1978 में नागपुर यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। 13 सितंबर 1978 में इन्होंने महाराष्ट्र बार काउंसिल में बतौर वकील अपना रजिस्ट्रेशन कराया। बंबई हाई कोर्ट की नागपुर पीठ में 21 साल तक सेवाएं देने के बाद वो 1998 में सीनियर एडवोकेट बने। 29 मार्च साल 2000 को इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 16 अक्टूबर 2012 को वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। फिर 12 अप्रैल 2013 को उनकी पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर हुई। वरिष्ठता क्रम की नीति के तहत पिछले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस बोबडे का नाम केंद्र सरकार को भेजा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस बोबडे को चीफ जस्टिस नियुक्त करने के फैसले पर दस्तखत किए, जिसके बाद विधि मंत्रालय ने उन्हें CJI घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी किया। 2015 में जस्टिस बोबडे उस 3 जजों की बेंच में शामिल थे जिसने स्पष्ट किया था कि भारत के किसी भी नागरिक को आधार कार्ड के अभाव में मूल सेवाओं और सरकारी सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला के केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस बोबडे ने उसकी गर्भपात की याचिका खारिज कर दी थी। वजह बताई गई कि तब तक भ्रूण 26 हफ्ते का हो चुका था और डॉक्टरों के मुताबिक जन्म के बाद बच्चे के जीवित रहने की संभावना थी। अगस्त 2017 में तत्कालीन चीफ जस्टिस JS खेहर की अध्यक्षता में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने एक मत से निजता के अधिकार को भारत के संविधान में दर्ज मूल अधिकारों में शामिल किया था। यह फैसला सुनाने वाली बेंच में जस्टिस बोबडे भी शामिल थे। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों जस्टिस रंजन गोगोई, जे चेलमेश्वर, मदन लोकुर और कुरियन जोसेफ ने तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस विवाद में इन 4 जजों के मतभेद सुलझाने में जस्टिस बोबडे ने अहम रोल अदा किया था। 6 साल पहले जस्टिस बोबडे ने अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति सार्वजनिक की थी। तब उन्होंने अपनी सेविंग्स 21,58,032 रुपये और FD 12,30,541 रुपये बताई थी। इसके अलावा उनके पास मुंबई में 1 फ्लैट और नागपुर में 2 मकानों का मालिकाना हक था, उस समय के आंकड़ों के दस्तावेजों के मुताबिक। मई 2018 में आए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तब राज्यपाल ने BJP नेता BS येदियुरप्पा को CM पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया था। कांग्रेस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां रात के 2 बजे सुनवाई हुई और फैसला येदियुरप्पा के पक्ष में आया। ये फैसला सुनाने वाली बेंच में जस्टिस बोबडे भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में प्रदूषण के चलते पटाखों पर बैन संबंधी जो आदेश दिया था, वो फैसला सुनाने वाली बेंच में भी जस्टिस बोबडे शामिल थे। कर्नाटक सरकार ने माता महादेवी की एक किताब पर बैन लगाया था। वजह बताई गई कि इससे भगवान बासवन्ना के भक्तों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने बैन बरकरार रखा और ये फैसला सुनाने वाली बेंच में जस्टिस बोबडे भी थे। 2019 में जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय बेंच ने BCCI से जुड़ा एक फैसला दिया था। BCCI का प्रशासन देखने के लिए पूर्व CAG प्रमुख विनोद राय की अध्यक्षता में जो प्रशासकों की समिति बनाई गई, यानी COA, उसे निर्देश दिया था कि वे निर्वाचित सदस्यों के लिए अपना कार्यभार छोड़ें।
2019 में ही जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय समिति ने पिछले सीजीआई रंजन गोगोई को यौन उत्पीड़न के आरोप में क्लीन चिट दी थी। जस्टिस गोगोई पर कोर्ट की ही उनकी पूर्व सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जस्टिस गोगोई को क्लीन चिट देने वाली बेंच में जस्टिस बोबडे के अलावा जस्टिस इंदिरा बनर्जी और इंदु मल्होत्रा शामिल थी। हालांकि इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी, जिस बात पर विवाद भी हुआ था। चीफ जस्टिस के तौर पर अपनी नियुक्ति पर जस्टिस बोबडे ने कहा कि सभी मुकदमों में न्याय सुनिश्चित करना उनका फौरी लक्ष्य है। ये बात कोर्ट के लिए इसलिए भी चुनौती है क्योंकि भारत की अदालतों में 3.53 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं। अकेले सुप्रीम कोर्ट में ही लंबित मामलों की संख्या 58,669 है और इनमें से 40,409 तो ऐसे हैं जो 30 साल से ज़्यादा वक्त से लटके पड़े हैं। देखना ये होगा कि जस्टिस बोबडे इस दिशा में कितना काम कर पाते हैं। तो ये है उनकी प्रोफाइल। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स से। हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हों तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हों तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम लोग जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।